हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉक विद शिबिन। देखिए, अभी तक इससे पहले हमने यूपी एपीओ की क्लास ली थी जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसमें मैंने लगभग सभी पेपर को कवर किया था। बट अब जो वीडियो आएगी, अब हम टारगेट करेंगे पीसीएस जे पर। और पीसीएस जे मैं आपको पीसीएस जे में प्री का जो सिलेबस होता है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट कराने का तरीका मेरा यह होगा कि मैं पहले फर्स्ट पेपर उठाऊंगा, फिर फर्स्ट पेपर जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, कोई भी फर्स्ट पेपर, एक पेपर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद ही मैं सेकंड पेपर लगाऊंगा। ठीक है, ये पढ़ाने का तरीका होगा, ये प्री होगा, ये ध्यान में रहे आपको। उसी को ध्यान में रखते हुए पीसीएस जे का 9 से 10 पेपर हैं पीसीएस जे में। ठीक है, उसमें मैंने ज्यूरिसप्रूडेंस को उठाया है। ठीक है, अधिकतर लोगों को ये पेपर थोड़ा टफ लगता है और इसकी अहमियत भी ज़्यादा है पीसीएस जे में। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे आखिर ये है क्या चीज़। और इसको यकीन मानिए आप कि ये जो आपको टफ लगता है पेपर ज्यूरिसप्रूडेंस, इसको मैं एकदम इजी वे में पढ़ाऊंगा। आप लगेगा ही नहीं कि आपको ये कभी टफ लगा था। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने रेगुलेशन पढ़ाया था, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट पढ़ाया था। ठीक है, तो यहां पर हम जो ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़ेंगे, यहां कुछ टॉपिक डिसाइड है जिसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कब्जा है, स्वामित्व है, विधिक व्यक्ति, विधिक अधिकार, विधि के स्रोत, स्कूल है और अन्य चीजें हैं जिनको हमें कवर करना है ज्यूरिसप्रूडेंस में। तो एक एक करके हम लोग इसको कवर करेंगे। आज जो हमें पढ़ाना है ज्यूरिसप्रूडेंस में, ये हमें पोजीशन पढ़ाना था, कब्जा। ठीक, तो कब्जे से पहले हमने ये सोचा कि आपको क्यों ना पहले ज्यूरिसप्रूडेंस की बेसिक चीज जानकारी दे दी जाए। और यह जानकारी सिर्फ ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए नहीं है बल्कि सभी लॉ के लिए होगी, ये आप समझ लीजिए। कहीं भी आपको मेंस में भी लिखना पड़ा तो आप इस चीज के लिए तैयार रहेंगे। अगर इन सब संदर्भों में अगर कहीं भी आपको टॉपिक मिला तो आप इसको बखूबी लिख सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ज्यूरिसप्रूडेंस में कब्जे से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, अभी लिखने मत बैठिएगा, ये चीज वीडियो आपके ही पास रहेगी। ठीक है, तो आप बस, मैं जो बता रहा हूं बस मेरे तरफ नजर रहे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इजी वे में बता सकूं और आपको समझा सकूं उस चीज को। ज्यूरिसप्रूडेंस में कब्जा तो पढ़ाना है हमें, बट आज मैं पोजीशन नहीं पढ़ाऊंगा। पोजीशन से पहले, कब्जे से पहले हम लोग ये देखेंगे इसका नाम क्या है पेपर का, विधि शास्त्र। कैसा शास्त्र? विधि का शास्त्र। तो हम सबसे पहले जानेंगे विधि के बारे में, लॉ के बारे में जानेंगे कि लॉ क्या है, आखिर ये लॉ की उत्पत्ति हुई कहां से, क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जिसके कारण लॉ ने जन्म लिया, इन सब चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। हालांकि मैं चाहता तो ये आपका जो लेक्चर था आज का, इसको स्किप कर सकता था और सीधे मैं आपको कब्जे से पढ़ा सकता था। बट मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो भले ही कुछ दिन थोड़ा ज्यादा लगे, मगर जो पेपर मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से एकदम आपको सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप उसमें कुछ बचे ना, आप ये ध्यान देंगे। और ये भी जरूरी नहीं कि देखिए आज का जो लेक्चर है आप क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है इसमें से एक भी नंबर का क्वेश्चन ना आए प्री में, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये फालतू होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं हो जाता कि ये फालतू होगा, पहली चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए। आप ये जो लेक्चर होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये आप जान लीजिए। ठीक, तो देखिए आज जो हमें पढ़ाना है, हमें पढ़ाना ये है कि आखिर लॉ क्या है, लॉ की उत्पत्ति हुई कैसे है। पहले तो लॉ नहीं रही होगी, आज के जमाने में तो लॉ है, कई लॉ बन गए हैं, रोज ही रोज कुछ न कुछ विधि का निर्माण होता है, कोई न कोई एक्ट आते हैं उसमें। ठीक है, चीजें बन रही हैं, बट क्या ये चीज पहले थी? नहीं, पहले नहीं थी, पहले लॉ नाम का कुछ भी नहीं था। तो आखिर लॉ आया कैसे, इन्हीं सब चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे।
चलिए देखते हैं, ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। बस निगाह आपकी इस बोर्ड पे रहे और मेरे पे रहे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यकीन मानिए आप यहां से कुछ लेके ही जाएंगे, ठीक है। चलिए देखें, पहली चीज हम पढ़ते हैं विधि का जन्म, और विधि का जन्म किन परिस्थितियों में और किस लिए हुआ। आप जो लेक्चर आज का है मेरा, इसको आप ज्यूरिसप्रूडेंस मान के बिल्कुल मत चलिए। आप समझ लीजिए कि बस एक कहानी बताई जा रही है, ठीक है, उसी को आपको खाली सुनना है। बस सुन लीजिए बस कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये मान के मतलब हौगा बना के मत चलिए कि ज्यूरिसप्रूडेंस ज्यूरिसप्रूडेंस ज्यूरिसप्रूडेंस, नहीं ज्यूरिसप्रूडेंस नहीं, एक कहानी है। दिमाग को खुला छोड़िए, आराम से समझिए, बिल्कुल याद होगा आपको। चलिए आइए, विधि का जन्म किन परिस्थितियों में और किस लिए हुआ है ये समझते हैं। किसका जन्म? विधि का जन्म। विधि का जन्म की बात की जा रही है कि किन परिस्थितियों में हुआ और किस लिए हुआ। ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी जब विधि का जन्म हुआ। देखिए पहले क्या था, व्यक्ति रहा करते थे, पहले व्यक्ति आया, ठीक है, व्यक्ति आया, फिर क्या हुआ, व्यक्ति से परिवार आया, परिवार से क्या हुआ, कई परिवार हो गए, तो एक समाज का रूप उन्होंने धारण कर लिया। समाज से क्या हुआ, समाज के बाद वही समाज एक स्टेट के रूप में धारण हो गया, स्टेट बन गया, राज्य बन गया, ठीक है। आज भी हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो ये भारत को देश नहीं कहा जाता है, अपितु स्टेट कहा जाता है। आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को, सॉरी किसी भी कंट्री को जो है उसे देश शब्द से संबोधित नहीं किया जाता, उसे स्टेट से संबोधित किया जाता है, राज्य से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझते रहिए। तो पहले व्यक्ति आया, व्यक्ति से क्या हुआ, व्यक्ति जब आगे बढ़ा कुछ तो परिवार उसका आया, परिवार से क्या क्या हुआ, परिवार कई परिवार हो गए, वो सभी परिवार मिल के क्या हुए, समाज का रूप ले लिए, समाज क्या हुआ, एक स्टेट का रूप ले लिया, ठीक है। ये एक बेसिक चीज आप जान लीजिए। देखिए पहले क्या था कि व्यक्ति था, व्यक्ति को क्या आवश्यकताएं थी, आप पहले समझ के चलिए कि हम बहुत पहले समय के समय में चले गए हैं, उसमें क्या चीजें रहती थी, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। आपकी सोच पहले वाली होनी चाहिए, पहले आदमी कैसे रहा होगा। व्यक्ति के पास तीन चीजें थी, वर्तमान में ये तीन चीजें ना जोड़िएगा, पहले के जमाने की बात मैं कर रहा हूं। तो पहले क्या चीज थी, व्यक्ति की जरूरत क्या थी, रोटी कपड़ा मकान, ये आज भी है बट कुछ चीजें ऐड हो गई हैं इसमें वर्तमान समय में। पहले क्या है, रोटी, फिर दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। अब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी व्यक्ति के लिए, तो क्या होगा, तो किसी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रोटी, भूख उसकी। आप काम क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों वर्क करते हैं, अपनी भूख को मिटाने के लिए करते हैं। अगर भूख ही ना होती तो शायद कोई काम ना कर रहा होता किसी के यहां, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि भूख, रोटी, उसके बाद क्या, जब रोटी मिल जाए तब कपड़े का प्रबंध किया जाए, अपने तन को ढका जाए, तो फिर उसके बाद कपड़ा आता है, और लास्ट में जब रोटी मिल गई कपड़ा मिल गया तो अब मकान की बारी आएगी कि कहीं तो रहे, ठीक है। अब देखिए तो व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। क्या हुआ करता था कि पहले लोग जो थे, कुछ लोग थे जैसे फल वल खाकर रहा करते थे, पहले तो ये नहीं था ना कि मटन चिकन बने, पनीर टिक्का बने, ऐसा कुछ नहीं था पहले, हाँ पहले फल खा के जिंदा रहा करते थे लोग। तो जैसे पेड़ में एक पेड़ है, वहां कुछ फल लगे हैं, जैसे कुछ फल लगे हैं और खाने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है, खाने वालों की संख्या ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए फल एक है, खाने वाले क्या है, चार पांच लोग, भूख लगी है सबको,
उस कंडीशन में क्या होगा, उनके मध्य क्या होगा, हाथापाई होगा, युद्ध होगा। किस लिए? उस फल के लिए, उस भूख को मिटाने के लिए उनके मध्य हाथापाई होगा। ठीक है, उसको भूख को मिटाने के लिए, उस फल के लिए हाथापाई होगा, उस रोटी के लिए, आप समझिए उस भूख के लिए होता था। तो अब यहां हमने लिखा हुआ है संघर्ष हुआ, किस चीज के लिए, उस भूख को मिटाने के लिए। पहले देखिए, मैं ये सब चीजें बताते हुए आपको ज्यूरिसप्रूडेंस की तरफ पूरा लेके चला जाऊंगा। कब लेके चला जाऊंगा आपको पता तक नहीं चलेगा, बस आप कहानी समझते रहिए कि क्या कही जा रही है, बस उस कहानी में बहते जाइए। चले देख, तो व्यक्ति के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान, भूख को लेकर क्या हो रहा है, संघर्ष हुआ या विवाद हुआ। ठीक है, ये संघर्ष, ये विवाद आखिर क्यों हुआ, क्या कारण थे जिनके कारण ये संघर्ष या विवाद हो रहा है। अब आप समझिए, क्योंकि व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य परिभाषित नहीं थे उस समय। उस समय ये नहीं था कि अभी आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, आपके क्या राइट, आपके क्या ड्यूटी हैं, उस समय परिभाषित नहीं थे। अर्थात कि उस समय नहीं बताया गया था कि भाई फलाने का बगीचा है उसमें आप नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं था। दिख गया पेड़, बस लूट पड़े उस पे, अटैक कर दिया खाने के लिए, ठीक, ऐसा कल्चर था उस समय। आप याद रखिएगा, उस समय लॉ नाम की कोई चीज नहीं थी, स्वतंत्र थे लोग, जिसको मन करे मार दिया, जिसको मन करे किसी का खाना छीन लिया। सोचिए उस समय परिस्थितियों को, सोचिए तो ये सब चीजें चली आ रही थी। तो क्या था, व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य परिभाषित नहीं थे। सेकंड, क्योंकि व्यक्ति के आचरण विनियमित नहीं थे, जो कंडक्ट था, जो आचरण था वो रेगुलेट नहीं था, विनियमित नहीं किया गया था। ठीक है, तीसरा, वस्तुओं के संदर्भ में, कोई वस्तु है उसके संदर्भ में कब्जे एवं स्वामित्व के नियम को परिभाषित नहीं किया गया था। अर्थात कि कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए वो फल ही है, तो उस फल पर कब्जा अगर है उसका है, तो ये नहीं कहा गया था कि भाई अगर उसके हाथ में वो फल है तो वो कब्जाधारी है। ठीक है, ये सब तब नहीं था, भाई फल चाहे जिसके हाथ में हो मारपीट के वो ले लिया करते थे। तो वो परिभाषित नहीं था कि भाई कब्जे का मतलब क्या होगा, स्वामित्व का मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। ठीक है, ये चीज हम बता रहे हैं आपको कि आखिर संघर्ष या विवाद हुआ क्यों और क्यों हो रहा है ये। तो ये इन कारण हो रहा है क्योंकि उस समय रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ का निर्माण नहीं था, इसलिए ऐसा होता था, जिसका मन करे उससे भिड़ जाए, जिसका मन करे उससे उस चीजों को छीन ले। ठीक है, आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक, तो उस समय लॉ जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए ऐसा चीजें हुआ करती थी। अब देखिए, इस संघर्ष या विवाद के निदान हेतु जो संघर्ष या विवाद ये हो रहा है, हुआ है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु क्या किया गया, ध्यान रखिए, संघर्ष विवाद के निदान हेतु क्या किया गया, धर्म, नीति, दर्शन का सहारा लिया गया। और सहारा लेकर क्या कर दिया गया, सहारा लेकर अधिकार, कर्तव्य, आचरण को स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, किस चीज को लेकर, धर्म को, नीति को, दर्शन को लेकर क्या कर दिया गया, व्यक्ति के अधिकार डिसाइड किए गए, कर्तव्य डिसाइड किए गए और आचरण डिसाइड किए गए कि फला व्यक्ति के ये अधिकार, फला व्यक्ति के ये कर्तव्य, फला व्यक्ति के ये आचरण, ये सब डिसाइड किए गए किसके थ्रू, धर्म, नीति, दर्शन। धर्म क्या था, धर्म कर्म से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था, कर्म से संबंधित था धर्म से, जो धर्म है। नीति किससे था, नियम और कानून से संबंधित था। दर्शन क्या था, अध्यात्म से संबंधित था। ठीक है, अध्यात्म से। तो उस समय क्या था कि उस समय राजा या महाराजा का समय, महाराजा का काल था। जब थोड़ा सा और आगे चला तो राजा महाराजा है, राजा या महाराजा के द्वारा ही नियम कानून उस समय बनाए गए।
कि ये नियम और ये कानून, तो इन लोगों की मदद से, ये लोग जो थे धर्म नीति दर्शन, इन लोगों के माध्यम से या इन लोगों का सहारा लेकर क्या कर दिया गया, व्यक्ति के अधिकार कर्तव्य आचरण को डिसाइड किया जाने लगा, स्पष्ट किया जाने लगा कि आपके ये अधिकार, आपके ये कर्तव्य, आपकी ये आचरण। क्लियर? ठीक है, यहां ये बातें थी। अब ध्यान दीजिए कि परिपक्व रूप में यह कब आया, यह चीजें कब आई। यह परिपक्व रूप में आया तो यह क्या कहलाया, विधि कहलाया। ठीक है, विधि कहलाया कब, जब यह परिपक्व रूप में आया तब यह विधि कहलाया, लॉ कहलाया। परिपक्व रूप में कब कहलाया, परिपक्व तब माना गया जब इन्हें कानूनी मान्यता प्रदान की गई या कानूनी जामा पहनाया गया, तब इन्हें परिपक्व कहा जाने लगा। ठीक है, कि कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई, तब किसी व्यक्ति को कह दिया गया कि भाई ये इनके राइट होंगे, ये इनकी ड्यूटी होगी, ये ऐसा काम करेंगे, ये ऐसा काम नहीं करेंगे, ये सब चीजें डिसाइड कर दी गई। किसके माध्यम से, लॉ के माध्यम से, जब लॉ का जामा पहना दिया गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए चीजों को समझते रहिए, थोड़ा हल्का हल्का समझते रहिए, ज्यादा टफ नहीं हमने लिखा हुआ इसलिए। आइए इधर अब देखते हैं, विधि की भूमिका क्या है, आखिर क्या रोल है लॉ का, हमारे यहां लॉ का क्या रोल है उसको देखिए। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए, जैसे मेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे लॉ से संबंधित या आपको लगता है कि इनसे संबंधित आ जाए, तो बस आप क्या करिए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए। ठीक है, आप इसी को पूरा का पूरा हूबहू लिख सकते हैं यदि इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये ज्यूरिसप्रूडेंस है तो बस यही काम देगा, नहीं, ये कोई भी आप लॉ रहेगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए कभी कभी अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं क्या, कि क्या मैटर इसमें लिखा जाए। ठीक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, विधि की क्या भूमिका है, अब ये आया, तो विवादों संघर्षों का निपटारा करना है। क्या करना है, विधि की क्या भूमिका, विधि का रोल क्या है। जैसे कोई फिल्म तैयार होती है तो ये नहीं कहा जाता कि भाई किसका किसका कौन सा रोल है, तो हीरो का रोल अहम होता है उसमें। ठीक है, तो हीरो ये करेगा, ठीक है, मार भले खाए मगर लास्ट में मारेगा जरूर वो। ठीक है, मारना है क्योंकि हीरो है, तो वही हाल है, ये हीरो है लॉ, तो क्या काम है इनका, ये विधि या संघर्षों का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई संघर्ष हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा, लॉ करेगी। ठीक है, ये काम है इनका निपटारा करना। अब देखिए यही कहा जा रहा है कि विधि की क्या भूमिका है, विवादों या संघर्षों का निपटारा करना है। कैसे, मगर कैसे करें विवादों या संघर्षों का निपटारा, तो ऐसे करें विवादों या संघर्षों का निपटारा। देखिए कैसे होता है, व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य को परिभाषित करके। ध्यान रहे, यहां क्या पढ़ा हमने, यहां क्या पढ़ा, यहां व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य परिभाषित नहीं थे, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये नहीं है, नहीं थे परिभाषित। बट यहां क्या हो रहा है, यहां विवादों संघर्षों का निपटारा कैसे किया जा रहा है, लॉ के द्वारा। देखिए कैसे, व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य को परिभाषित करके ये बता दिया जाएगा लॉ के थ्रू कि भाई फला व्यक्ति के ये अधिकार, फला व्यक्ति के ये कर्तव्य है, अब आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉ के द्वारा आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब नेक्स्ट देखिए, यही अधिकार एवं कर्तव्य हम ज्यूरिसप्रूडेंस में आगे पढ़ेंगे कि अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, दायित्व तो क्या होती हैं, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, वस्तु पर, ये तो व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य को बताया गया। अब व्यक्ति के पास अगर कोई वस्तु है तो उसके संबंध में क्या है, वस्तु पर कब्जा एवं स्वामित्व को परिभाषित करके। आगे हम ये भी पढ़ेंगे पोजीशन, ओनरशिप को, कि पोजीशन क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, ये हम ज्यूरिसप्रूडेंस में ही आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पहले वाले में क्या किया, व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य को डिसाइड कर दिया कि भाई फला व्यक्ति के अधिकार होंगे, ये कर्तव्य होंगे। दूसरे में क्या किया,
वस्तु पर कब्जा किसका होगा, स्वामित्व किसका होगा, या कब्जा हम किसे कहें, स्वामित्व किसे कहें, इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसलिए डिफाइन कर दिया कि आगे चलकर कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। ठीक है, जैसे कोई देखता है कि भाई ये मार्कर तो मेरे पास है, तो फला व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ भाई कब्जा इसके पास है तो स्वामित्व तो भी यही होगा, स्वामी इसका यही होगा, भले ही ये मार्कर मेरी ना हो, मैंने आपसे लिया हो। हाँ, मगर प्रथम दृष्टया तो ये रहेगा ना कि भाई इसके पास है तो स्वामी यही है, बाइक लेके जा रहा हूं, कार लेके जा रहा हूं, तो तीसरा कोई पर्सन ये समझेगा ना कि ये भाई उसी का है, उसी की कार है, उसी की बाइक है। ठीक है, तो ये सब क्या किया जा रहा है, ये सब क्या किया जा रहा है, परिभाषित कर दिया जा रहा है। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, लॉ द्वारा परिभाषित किया जा रहा है कब्जा स्वामित्व को। आगे चलिए, कानून एवं व्यवस्था स्थापित करके किया गया, क्या किया गया, विवादों और संघर्षों का निपटारा किया गया। कैसे? कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके क्या किया गया, विवादों और संघर्षों का निपटारा किया गया, कि लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन रहे। कभी कभी ये होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का गड़बड़ हो गया है, तो लग जाती है धारा आपकी 144 और ये सब चीजें लग जाती हैं वहां पर। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे तो ये भी देखना होता है कि हाँ भाई यहाँ इस जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें। नेक्स्ट, व्यक्ति एवं राज्य के कल्याण विकास में प्रगति करके किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि विधि की क्या भूमिका है, कि विधि की यही भूमिका है सिर्फ कि वह व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य को डिसाइड करेगी, परिभाषित करेगी कि अधिकार और कर्तव्य का मतलब को क्या होता है, और विधि यह डिसाइड करेगी कि कोई वस्तु है तो वस्तु पर कब्जा या स्वामित्व किसका होगा, या वस्तु पर कब्जा या स्वामित्व किसको हम कहें। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कब्जा हम किसको कहें, स्वामित्व किसको कहें, इस चीज को लेकर वो डिसाइड करेगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। ये किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जाता है कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसलिए इन सब चीजों को लॉ के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर यही चीजें डिसाइड ना होती तो मार कटैया हो जाती यहां पे। ठीक है, मारा मारा हो जाता, जैसे यहां हो रहा है कि एक फल को लेकर भाई लोग भिड़ जा रहे हैं। क्यों भिड़ जा रहे हैं? इसलिए भिड़ जा रहे हैं क्योंकि न तो उनका अधिकार डिसाइड किया गया है, न तो उनका कर्तव्य डिसाइड किया गया है, इसलिए वो भिड़ जा रहे हैं। इसलिए वो भिड़ जा रहे हैं, न तो उनको कब्जा पता है, न उनका स्वामित्व का मतलब पता है, इसलिए भिड़ जा रहे हैं। इसलिए वो भिड़ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही नहीं पता है, क्योंकि उस समय ऐसी चीजें नहीं थी, इसलिए ऐसा संघर्ष या विवाद हुआ करता था। ठीक है, बट आज की कंडीशन अलग है। चले अब देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप ध्यान दीजिएगा। नोट करके हमने लिखा हुआ है कि विधि का केंद्र बिंदु क्या था, तो विधि का केंद्र बिंदु व्यक्ति ही रहा है शुरू से। ठीक है, कौन रहा है? व्यक्ति ही रहा है। आपसे पूछा जाए कि विधि का केंद्र बिंदु कौन रहा, तो व्यक्ति रहा। जैसे ये आपका विधि है पूरा, और ये कौन है? ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या है? शुरू से केंद्र बिंदु रहा है। इसका मतलब क्या है, हम ये समझाते हैं। बहुत ही बढ़िया अच्छी बात लिखी गई है, इसको ध्यान से समझिएगा, आगे आपको काम देगा जब आप मेंस लिखेंगे। ठीक है, किसी भी मैटर पर आप लिख रहे हैं, यदि ऐसा कोई टॉपिक आया तो बहुत ही अच्छा आप लिख जाएंगे, सुंदर लिखेंगे उस चीज को। ठीक है, ध्यान दीजिए, विधि का केंद्र बिंदु किसे कहा जा रहा है? व्यक्ति को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है भाई? व्यक्ति को विधि का केंद्र बिंदु आखिर क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या है? तो इसका मतलब है कि विधि व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति विधि के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, विधि व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति विधि के लिए। अर्थात कि जो विधि बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है? व्यक्ति के लिए बनाई जाती है। ठीक है, व्यक्ति के लिए बनाई जाती है भाई विधि। जैसा जैसे कि यहां क्या हुआ, आप ये समझ लीजिए, यहां संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, तो
ये सब चीजें हुई तो क्या हुआ? तब विधि का निर्माण हुआ। क्या करने के लिए? इनके संघर्ष को, इनके विवाद को रोकने के लिए निर्माण हुआ। ठीक है, तो किसके लिए बनाई गई विधि? तो विधि बनाई गई ये व्यक्ति के लिए बनाई गई। ठीक है, अंडरस्टैंड, व्यक्ति के लिए बनाई गई विधि, इस चीज को रोकने के लिए। किसके लिए? व्यक्ति के लिए बनाई गई विधि। तो विधि बनाई जाती है व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो देखिए विधि जो बनाई जा रही है, विधि का कब उत्पन्न होती है, कब डिमांड में आती है? जब समाज में ऐसी कोई चीजें घटित होती हैं, कोई घटना ऐसे घटित होती है जिसके लिए लगता है कि विधि का निर्माण करना चाहिए, उस स्थिति में नई विधि का जन्म होता है। ठीक है, नए कानून का जन्म होता है। उस कानून के द्वारा ही हमारे लॉ में कुछ चीजों को निरसित किया जाता है, कुछ चीजों को या तो संशोधित कर दिया जाता है या तो कुछ चीजों को नया ऐड कर दिया जाता है। निरसित इसलिए कर दिया जाता है जब लॉ को लगता है कि भाई वह व्यक्तियों के विपरीत है, सही नहीं है, तो वो उसको निरसित कर दिया जाता है। संशोधित तब कर दिया जाता है कि लगता है कि आज के जमाने में संशोधन की आवश्यकता है, तो उसमें संशोधन कर दिया जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको, आज की वर्तमान में क्या होता है कि यदि आपने आईपीसी पढ़ा होगा तो सेक्शन 303, ठीक है, 303 देखिएगा, वहां उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि अब आवश्यकता नहीं थी 303 की, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया गया। मिट्टू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का मामला था, उसके तहत उसको निकाल दिया गया। ठीक, संशोधन क्या किया गया उसमें? अब दूसरी बात आप समझिए, संशोधन में जैसे आप पढ़ेंगे 375 आईपीसी रेप, रेप का दंड पहले था कितना? कम से कम 7 वर्ष था, बट समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो वारदातें हो रही हैं रेप की, उनको ध्यान में रखते हुए उस दंड को अधिक कर दिया गया। कितना कर दिया गया? अब 7 से बढ़ाकर अधिक मिनिमम 10 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो वो समाज में जैसी घटनाएं घटती हैं उस घटनाओं के हिसाब से ही विधि का निर्माण होता है। ये विधि का निर्माण किसके लिए हो रहा है? वो व्यक्ति के लिए हो रहा है विधि का निर्माण। दंड किसको दिया जाएगा? वो व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपराध पढ़ते हैं तो अपराध में करते हैं ना, अपराध के आवश्यक तत्व क्या हो? एक व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति के मन में दुराशय होना चाहिए, फिर कार्य हो, फिर क्षति हो, तो क्या होता है? ये दंड किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को मिलेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और समाज में जो नई विधियों का निर्माण कैसे हो रहा है? समाज में ऐसी कोई चीजें चलन में आ गई हैं जिसको लगता है कि उस पर विधि नहीं बनाई गई है, तो विधि बनाने की आवश्यकता है, तो वहां पर नए कानून का निर्माण होता है। जैसे 2013 में आप देखे होंगे रेप के एसिड अटैक के मामले ज्यादा कुछ हो गए थे। उस चीज को रोकने के लिए यहां 2013 में एसिड को अटैक को जोड़ा गया। ठीक है, अन्य विभिन्न धाराओं में एसिड से संबंधित सेक्शंस को ऐड किए गए। ठीक है, आप देखेंगे आईपीसी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहां कहां एसिड अटैक है। एक होमवर्क आपके लिए है मेरी तरफ से, कुछ काम आप भी कर लीजिए, आप मुझे बताएंगे कि एसिड अटैक कहां कहां है पूरे आईपीसी में, एसिड अटैक, एसिड से संबंधित प्रावधान कहां कहां दिए गए हैं। ठीक है, ये पूरे आईपीसी में कहां कहां है आप मुझे सेक्शन सहित बताएंगे कि फला सेक्शन में, फला सेक्शन में, फला सेक्शन में। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप मुझे बताइएगा। तो ये देखिए, आवश्यकता महसूस हुई कि भाई एसिड अटैक हो रहा है, उससे संबंधित कुछ उसमें संशोधन करना चाहिए, कुछ लॉ लाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए विधि का, वो नहीं थी पहले, तो अब उसमें 2013 में लाया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो अपराध घटित होती हैं, अपराध के हिसाब से यदि लॉ का निर्माण नहीं है तो उस हिसाब से लॉ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए विधि क्या है हमारी, लॉ क्या है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी या ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है,
इसकी जानकारी या ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि भाई लॉ है क्या, इस मैटर पे लॉ क्या बनी है। यहां तक कि आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है, कोई कार्य करता है और यह कह देता है कि भाई मुझे तो लॉ की जानकारी ही नहीं थी, विधि का ज्ञान ही नहीं था, तो भी उसको छूट प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या लॉ, इसकी जानकारी या ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे चलिए, जानकारी या ज्ञान का क्या अर्थ है, ध्यान से समझिए। अब मैं आ रहा हूं जुरिस्प्रूडेंस पे। जानकारी या ज्ञान का क्या अर्थ है, विधि के जानकारी या ज्ञान का क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। जानकारी या ज्ञान का क्या अर्थ है, जानकारी या ज्ञान का अर्थ यह है कि यह पूछा जाएगा भाई विधि क्या है ये पता हो, विधि क्या है ये पता होनी चाहिए। अब विधि क्या है ये जुरिस्प्रूडेंस में बताया गया है और जुरिस्प्रूडेंस में कई विधिवेत्ताओं द्वारा अलग अलग अपने मत दिए गए हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि भैया बताइए कि विधि क्या है, लॉ क्या है, तो मैं कुछ और डेफिनेशन दूंगा। आपसे पूछा जाए तो आप कुछ और डेफिनेशन देंगे, फला व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कुछ और डेफिनेशन देंगे। अर्थात कि सभी लोगों का अलग अलग मत होगा कि आखिर लॉ क्या है। ठीक है, यही आपके जुरिस्प्रूडेंस में भी बताया गया है। और जो जिन जिन लोगों का एक मत हुआ है उनको एक जगह कर दिया गया है, जिन लोगों का एक मत है वो अलग जगह कर दिए गए हैं। इस तरह अलग अलग स्कूल का निर्माण कर दिया गया है, कोई ऐतिहासिक में है, कोई विश्लेषणात्मक में है, तो ऐसे ऐसे करके लोगों का निर्माण किया गया। ठीक है, जब स्कूल आएगा तो हम स्कूल को भी बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको। फिर क्या है, विधि का जन्म कैसे हुआ है ये बताते हैं कि भाई कैसे जन्म हुआ है, बहुत पहले से चीजें चली आ रही थी तब इसलिए जन्म हुआ है। ये सब कहां मिलेगा, ये सब जुरिस्प्रूडेंस में बताएंगे जाएंगे। ये बताता है जुरिस्प्रूडेंस कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। देखिए फिर क्या है, विधि का स्रोत क्या है आपका, भाई कैसे आई है विधि, क्या माध्यम रहा है उसका, ये चीजें हैं। विधि की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है उसका, ये पता चलता है। विधि का काम क्या है, क्या काम करती है विधि, ठीक है, ये विधि की भूमिका क्या है, ठीक, ये चीजें आप पता करती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, ये विधि की जानकारी या ज्ञान का क्या अर्थ है, इसके विषय में ये था। ठीक है, अब देखिए विधि के विषय में यही जानकारी या ज्ञान, ये जानकारी जो बात चल रही है या ज्ञान, ध्यान दीजिए, विधि के विषय में यही जानकारी या ज्ञान क्या कहलाता है, विधि का शास्त्र कहलाता है। विधि के विषय में यही जानकारी, कौन सी जानकारी, ये जानकारियां, ठीक है, जो बताई गई हैं, क्या है, जन्म कैसे हुआ, स्रोत क्या है, प्रगति क्या है, काम क्या है, भूमिका क्या है, ये सब जानकारियां क्या होती हैं, विधि के विषय में यही जानकारी, ये जानकारी या ज्ञान क्या है, विधि का शास्त्र कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विधि शास्त्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आया ये, इतनी कहानी तब से मेरी इसीलिए चल रही थी कि आखिर ये महाशय आएंगे कैसे, तो इनको लाने के लिए हमें इतना पूरा माहौल तैयार करना पड़ा, इसलिए ये महाशय आए हैं यहां पर ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि विधि के विषय में यही जानकारी या ज्ञान क्या कहलाता है, विधि शास्त्र कहलाता है, विधि का शास्त्र कहलाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, विधि शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जुरिस्प्रूडेंस है, जुरिस्प्रूडेंस शब्द, ठीक है, ये लिखा हुआ है जुरिस्प्रूडेंस शब्द, ये दो शब्दों, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका क्या मतलब है, एक होता है जुरिस और दूसरा होता है प्रूडेंशिया। ठीक है, जुरिस का मतलब होता है विधि या कानून होता है इसका मतलब, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है ज्ञान या शास्त्र हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको मिला दिया जाए तो क्या कहेंगे, विधि या कानून का ज्ञान कहेंगे। ठीक है, क्या है, विधि या कानून का ज्ञान, और यही आपका पूरा जुरिस्प्रूडेंस है, इसी की बात पूरा की गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं बताना क्या चाहता था।
ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि आखिर विधि का निर्माण क्यों हो रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई हैं जिसके कारण विधि ने जन्म लिया। ठीक है, ये सब करते हुए हम आए हैं, फिर विधि की क्या भूमिका रही है ये हमने पूरा बताया है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाएगा, कभी हो सकता है टक्कर हो जाए आपसे मेंस में, तब आपको मेरी याद आएगी। ठीक है, तो वहां पूरा अच्छे से लिख डालिएगा। लाइन है, विधि व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति विधि के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इसमें थी और इसके तहत हम ज्यूरिसप्रूडेंस तक आए हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस का निर्माण कैसे हो रहा है, आखिर ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हमने आपको बताई हैं। तो इस तरह हमने ज्यूरिसप्रूडेंस में इंट्रो ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस ये हमने कवर किया है। ठीक है, इसमें हमने ये कवर किया कि आखिर जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र में पहले विधि हमने जाना कि विधि है क्या, विधि का जन्म कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, कैसे विधि जन्म ली, क्या वो परिस्थितियां थीं जिनके कारण विधि का जन्म हुआ। ठीक है, इसको हमने इस लेक्चर में समझा। उसके बाद हमने समझा कि विधि की क्या भूमिका है, फिर ज्यूरिसप्रूडेंस आखिर कैसे आ रहा है इसको हमने बारीकी से समझा, और ज्यूरिसप्रूडेंस कैसे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी हमने समझा इसमें। तो अब यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का लेक्चर रहेगा वो पोजीशन पर रहेगा, कब्जे पर। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वो कब्जा है क्या, कब्जा किसे कहते हैं, कब्जे के बारे में न केवल ज्यूरिसप्रूडेंस में हम लोग देखेंगे अपितु कब्जे को हम लोग अन्य विधियों में भी जहां जहां कब्जे का उल्लेख हुआ है उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये आपकी जो वीडियो थी ये आपकी फ्री है, पहली क्लास ज्यूरिसप्रूडेंस की मेरी यहां पर फ्री है एक डेमो के रूप में, जो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर एक क्लास तो फ्री कर दीजिए, तो ये उन लोगों के लिए फ्री है, वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि हाँ उनको बातें हमारी समझ में आ रही हैं और आगे भी समझ में आएंगी तो वो हमसे, यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया है, यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या जानकारी लेनी है हमें हमसे तो ये कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8840679353। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप या कॉल कर सकते हैं। यदि आप कॉल करते हैं मैं नहीं उठा पाता हूं तो मैं कॉल बैक आपका करूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ और, ये शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, शिवेंद्र लॉ स्टडी। ठीक है, ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपको देखिए वीडियो समझ में आ रही है तो ही आप हमसे जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप में। ठीक है, इसमें मैंने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि हमें ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़ाना क्या है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ज्यूरिसप्रूडेंस जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही मैं दूसरा पेपर लगाऊंगा, और यकीन मानिए यदि आप जुड़ते हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जितना इजी वे में आपको ज्यूरिसप्रूडेंस बता सकूं उतनी इजी वे में आपको ज्यूरिसप्रूडेंस बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस आप समझ लीजिए, और यदि जुड़ना है हमसे तो जल्दी, बहुत जल्दी आप पेमेंट करके मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम फालतू में वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करिए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि हर पेपर आपका कवर करा सकूं। ठीक है, जो भी 9 से 10 पेपर हैं उनको कवर करा सकूं। तो जल्द से जल्द आप मुझे कॉल करके जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम, कहाँ से आप हैं वो हमें बताइएगा। ठीक है, जुड़ना होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अपना UPI आईडी दूंगा, उसके माध्यम से आप पेमेंट करके उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये था आपका वीडियो, थैंक यू।